स्वाद आ गया। वेलकम बैक अवधी रोज रात, आप देख रहे हैं द स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं और क्या मजे की बीजिंग चिकन बनाई है, शाबाश तालियां। अब कुछ बोल भी लो, तुम तो सुबह से चुप लगा के बैठे हुए भाई। हाँ अच्छा बताओ आप क्या बना रहे हो? अब हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी मिल्की वे। स्ट्रॉबेरी मिल्की वे, एक कप दूध, एक कप बर्फ, 2 से 3 स्कूप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम? स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी सिरप। स्ट्रॉबेरी सिरप 4 टेबलस्पून। ये तो अच्छा खासा स्वीट होगा, मजे का लग रहा है। बादाम 5 से 6 और दही, क्रीम। अच्छा क्रीम है ये? उसके दिल में ज़र्ब लगी थी। नहीं नहीं, मैं उसको चेक कर रहा था कि उसको पता है नहीं। और गुस्से में आ गया है। 2 टेबलस्पून चीनी। ओके, और इसको करेंगे हम ब्लेंड। ब्लेंड जबरदस्त। जब तक ये ब्लेंड हो रहा है, हम जाके मिलेंगे उंजला से और उंजला से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उंजला, कैसी हैं आप? प्लीज उंजला, आप करती हैं डूडल। खवातीन और हज़रात, आई एम श्योर आप सबको पता है कि डूडल आर्ट क्या होता है और डूडलिंग से उंजला ये बहुत ही मुख्तलिफ काम करती हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तानी खवातीन जब कोई नई चीज़ ट्राई कर रही होती हैं काम के, अपने प्रोफेशन के लिहाज से। कब से आपको शौक पड़ा? हाउ डिड ऑल स्टार्ट? इट स्टार्टेड वेरी रैंडमली। कुछ साल पहले ऐसे ही मैं अपने बेड पे बैठी हुई, एक रैंडम अपना यूज्ड जूता उठा के आई स्टार्टेड पेंटिंग इट। तो वहीं से मुझे शौक हुआ। हूँ मैं बिजनेस स्टूडेंट, बट आर्ट का शौक आई थिंक बचपन से ही था। आई थिंक वो मुझे लगता है वो इनहेरिट ही करते हैं। वो इनहेरिट करता है, आई थिंक इट वाज इनेट सिंस चाइल्डहुड के करना ही है ये मुझे। सो बस बहुत रैंडमली स्टार्ट हुआ और करना शुरू किया, एक्सप्लोर करती गई, ट्रैवल करती गई, रिसर्च करती गई। सो दैट इज हाउ इट ऑल बिकेम दिस। अच्छा मुझे बात बताएं, जब ऑफ कोर्स ये मैं बार-बार शो पे भी कह रहा हूं, तो जब आर्ट की तरफ बच्चे कदम उठाते हैं तो पेरेंट्स इतने ज्यादा सपोर्टिव पाकिस्तान में नहीं होते हैं। ऑनेस्टली मेरे पेरेंट्स भी नहीं थे, इसलिए मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ। बट लेटर ऑन आई थिंक आपको ट्रस्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप करना पड़ता है इन योर पेरेंट्स। स्लोली एंड ग्रेजुअली आई फील वो आपकी एबिलिटीज में ट्रस्ट कर लेते हैं, लाइक माई पेरेंट्स ट्रस्ट मी नाउ ऑब्वियसली, बट आई थिंक इट टेक्स टाइम। तो अच्छा आपको अंजना लगा कब के डूडल आर्ट कुड बी अ गुड प्रोफेशन? मतलब आपको लगा कि इसके आपको टेकर्स मिल जाएंगे, लोग पसंद करेंगे इस काम को? मुझे ऑनेस्टली कभी भी बिलीव नहीं था इस चीज पे, नेवर। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक मेहनत बहुत करी, स्ट्रगल बहुत ज्यादा किया सिंस 5-6 ईयर्स, और विद टाइम आई थिंक लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, जो काफी स्ट्रेंज लगा मुझे। और अब लोगों को अवेयरनेस है, पीपल लाइक दे अप्रोच मी, मुझसे पूछते हैं ये होता क्या है, कहाँ से करती है, एक्सेट्रा सीखा कैसे। तो आई थिंक करते करते ही आता है, आपके दिमाग में कोई बात हो, दिल में कोई बात हो, आप उसको करते रहो, इट्स ब्यूटीफुल, वो बन जाता है। अच्छा इंस्टाग्राम पे मिस्टर डूडल का मैं पेज फॉलो करता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है उसका तो हर चीज, उसकी हर चीज, हर चीज डूडल में है। और वो कभी कभी मुझे थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी लगता है, लगता है थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक हो जाता है कभी कभी। मुझे एक बात बताएं, आप कपड़े भी कर रही हैं, यू आर वेयरिंग वन, और आपने प्लीज इसको जरा फोकस कीजिए, जस्ट लुक एट दिस, ये बड़ा जबरदस्त। ये आइडिया कैसे आया आपको कि मेकिंग अ एंटायर आउटफिट आउट ऑफ इट? आई थिंक आर्ट सिर्फ कैनवस पे और स्केच पैड पे लिमिट नहीं होना चाहिए, यू शुड वेयर आर्ट। आपको आर्ट पहनना चाहिए, और आर्ट पहन के आप घर से निकलो, स्ट्रीट्स पे चलो। आई थिंक पाकिस्तान में काफ़ी लिमिटेशंस हैं, बाहर आप जाके देखोगे तो हर कोई एक आर्ट पहन के घूम रहा होता है। तो जब मैं ट्रैवल करती हूँ तो वो चीज़ मुझे काफ़ी इम्प्रेस करती है कि ये चीज़ आई थिंक पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, जो मिसिंग थी। तो आई थिंक आइडिया मुझे वहीं से आया कि आई थिंक पीपल शुड वेयर आर्ट, फील लाइक आर्ट बेसिकली। मैं भी, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि काश मैं भी कह सकूँ लाइव शो में कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू वेयर आर्ट, और ये मैं आर्ट पहन रहा हूँ और आप मेरे को तोहफा भी नहीं लाएंगे। मैं आपके लिए बिल्कुल लाएंगी। लाएं, सही बताएं, सीरियसली? यस, प्लीज उंजला के लिए जोरदार तालियां। क्या बात है उंजला, वेरी नाइस। दीज आर फॉर यू। ये देखिए बेसिकली खवातीन और हज़रात, दिस इज डूडल आर्ट। ये होता है डूडल आर्ट, इसका जरा क्लोजअप बताएं। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको कहते हैं डूडल आर्ट। ये चीज नजर आई, ब्यूटीफुल। सुनिए, ये तो कोल्हापुरी विद अ ट्विस्ट हो गई है ना।
हाँ पसंद आ गई, जबरदस्त। यहाँ तो सबको मेरी चीजें पसंद आ जाती है भाई। काफी लोग गए मुझसे ऑफ स्क्रीन भी पूछा है इसके बारे में। आपको पता है क्योंकि मुझे खुशी हो रही है, क्योंकि कराची में यूजुअली उजला समर्स होते हैं और समर्स में जीन्स के साथ आपको हमेशा ट्रेंडी फुटवेयर की होती है जरूरत के यार। अच्छा बट थैंक यू सो मच, ग्रेट। कितना वक्त लगता है वैसे एक जूता तैयार करने में? As detailed as this, इसमें I think दो हफ्ते लग जाते हैं। दो हफ्ते लग जाते हैं। ट्रक आर्ट काफ़ी डिटेल्ड होता है, आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। सिमिलरली आई थिंक जो नॉर्मल टाइम होता है एवरेज टाइम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये प्लेन वाइट थी? ये ब्लैक थे, इसकी बेस ब्लैक थी और इसके ऊपर वाइट से कोट होने के बाद ये ब्लैक हुआ, बिकॉज ब्लैक पे यूजुअली पेंट अब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। और ये तो था ही वाइट, इसको मैंने ब्लैक से ही कर दिया। जबरदस्त। और सुनिए, ये प्लेन वाइट जूता था? ये प्लेन वाइट जूता, प्लेन वाइट जूता था। यस, इट वाज कंप्लीटली। और ये आपने दो हफ्ते, और ये एक अच्छा एक स्नीकर था, ये एक स्नीकर था, और इसको आपने ट्रक आर्ट में कन्वर्ट किया और दो हफ्ते लगे इसमें? दो हफ्ते लगे। My goodness. अच्छा मुझे बात बताएं, आपका अभी Instagram page है? Yes. किस नाम से? Doodling Official. Doodling Official. अभी आपके TV screens पे आ रहे हैं, आप जरूर उंजला को follow कीजिए and if you have orders, please इनको order दीजिए, कोई अच्छी चीज इनसे बनवाइए। एक और चीज उंजला मुझे बात बताएं कि जो कपड़े जो outfits हैं, अगर कोई कस्टमाइज कुछ बनवाना चाहे, would you make that for that? Digitally हम customizations नहीं लेते, because printing का पाकिस्तान में honestly काफी struggle रहता है, but hand painted jackets, जैसे भी winter आ रहा है तो we'll be taking orders for hand painted jackets हो गया, t-shirts हो गया, jeans हो गया, और वो बनाया भी है काफी ज्यादा। और उसमें कितना वक्त लगता है एक जैकेट को बनाने? जैकेट डिपेंड्स, अगर किसी को कोई कैरेक्टर चाहिए तो उसमें 2 हफ्ते तो लगते हैं, बिकॉज कस्टमाइजेशन काफी डिटेल्ड होती है और काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता हमको, तो हम टाइमलाइन थोड़ा एक्सटेंडेड ही देते हैं, तो लोगों को थोड़ा पेशेंट होना जरूरी है। वो हैंड पेंटेड होता है, ये प्रिंटेड है जो कि कस्टमाइज नहीं हो सकता, और जो बाकी आउटफिट्स हैं जो कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो वो हैंड पेंट हो जाता है। एक्सीलेंट, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो अंजला। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो अस्वर, इट वाज ग्रेट। आई होप ग्रेट टाइम। आई हैड अ ग्रेट टाइम। प्लीज कीप कमिंग और मिले तो खिलाते। बट थैंक यू सो मच फॉर दिस। खवातीन और हज़रात, आप लोग फॉलो कीजिए उंजला का पेज ऑन इंस्टाग्राम और ऑर्डर दीजिए, एक नई चीज़ है ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है कि खवातीन और हज़रात हमेशा चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट पहने, कुछ अच्छा पहने, जिस तरह उंजला ने कहा यू शुड वेयर आर्ट, तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद।